अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना तो कोई प्रभास से सीखे। भाई इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था क्योंकि ये बाहुबली और बाहुबली 2 हिट जैसी मूवी देने के बाद एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। लेकिन नहीं भाई, प्रभास को तो देनी थी बैक टू बैक फ्लॉप मूवी, और लास्ट मूवी जो उनकी रिलीज हुई थी वो थी आदि पुरुष। सो आदि पुरुष में अपनी धज्जियां उड़ाने के बाद अब प्रभास आ चुके हैं सलार मूवी पर। सलार मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और सलार मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, अरे वही जिन्होंने KGF 2 मूवी डायरेक्ट करी थी। तो भाई सलार मूवी का ट्रेलर देखने के बाद मुझे ये लगा कि इस ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो बहुत यूनिक हो और जो बहुत सालार 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 हो रहा था कि भाई बहुत बड़ी सुपरहिट मूवी जाने वाली है और इसका ट्रेलर लॉन्च करने के बाद तो मतलब लोग पागल ही हो जाएंगे इसको देखने के लिए। बस सलार मूवी में ये है कि आप KGF 2 देखोगे और सलार का ट्रेलर देखोगे, वहां पे बस आपको यश दिख रहे थे और इस सलार मूवी के ट्रेलर में आपको प्रभास दिखेंगे। इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में, और बाकी जो भी सलार मूवी का ट्रेलर है वो बिल्कुल बकवास है क्योंकि इस बॉलीवुड में कोई भी डुप्लीकेसी के नाम पे मूवीज नहीं चलती हैं। कि अगर आपने KGF बना दी, KGF 2 बना दी, ठीक है आपकी कुछ स्टोरी तो अलग होगी ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप KGF और KGF 2 के नाम पर कोई थर्ड मूवी बनाओ और उसमें किसी दूसरे पर्सन को लो और एज इट इज उसमें वो ही चीजें लगा दो जो आपने उन मूवीज में लगाया जो आपकी हिट जा चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सलार मूवी का ट्रेलर है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूनिकनेस हो या कुछ भी हो, उसमें वही लड़ाई झगड़ा दिखाएगा, बिल्कुल एज इट इज थीम KGF 2 से लिया गया है। और उसमें प्रभास है, प्रभास का मुझे ये लगा था कि अब ये चलो आदि पुरुष में ये डूब गए हैं या बैक टू बैक मूवी फ्लॉप दी है इन्होंने, लेकिन आने वाले टाइम पे ये एक ब्रांड, लेकिन अब प्रभास ने अपने ब्रांड खो दिया है, अब वो प्रभास ब्रांड के नाम से नहीं जाने जाते हैं। और सलार मूवी को करने के बाद तो मैं यही कहूंगी कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस मूवी को करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यश जो है वो सुपरस्टार है KGF और KGF 2 से, ऑलरेडी पब्लिक ने अपने माइंड में उनकी एक इमेज बना रखी है कि भाई KGF और KGF 2 में सुपरस्टार यश थे, अब आप सलार मूवी को लेके आते तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग करना था आपको, अलग इन द सेंस कि थोड़ी सी यूनिकनेस दिखानी थी, स्टोरी अलग करनी थी, कुछ तो अलग करना था, लेकिन नहीं भाई साहब इन्होंने कुछ भी ऐसा अलग नहीं किया। तो भाई फुल कॉपी किया गया है सलार मूवी को KGF और KGF 2 से, तो फुल ऑन कॉपी मार के इसको रिलीज करेंगे ये लोग और सोचेंगे कि पब्लिक बेवकूफ बन जाएगी, उनको तो कुछ दिखाया ही नहीं जाएगा, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हमने इस मूवी में क्या करा है क्या नहीं करा है। मैं आपको यही बोलूंगी कि KGF 2 के जो डायरेक्टर है ना उनके ऊपर KGF 2 की सक्सेस शुमार हो गई थी, मतलब इतनी चढ़ चुकी थी कि अब वो कभी भी कोई हिट फिल्म दे ही नहीं पाएंगे कि भाई आप एक ही थीम पे मूवी बनाए जा रहे हो बनाए जा रहे हो बनाए जा रहे हो, कम से कम आप दूसरे हीरो को ले रहे हो उसके करियर का तो सोचो, कुछ तो अलग करो उस मूवी में। फुल ऑन कॉपी किया है उन्होंने इस मूवी में। और दूसरी चीज ये, अब प्रभास का तो हो चुका है बेड़ा गर्क, वो नहीं करने वाले कुछ भी इस मूवी के बाद भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि बैक टू बैक फ्लॉप मूवी देने के लिए वो उनकी पहचान बन चुकी है कि वो बैक टू बैक फ्लॉप मूवी देते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि पब्लिक ना पागल नहीं है कि आप KGF और KGF 2 मूवी के बाद सलार एज इट इज उनको दिखाओगे जैसी वो उस वाली मूवी में थी, तो पब्लिक पागल नहीं है कि वो अपना पैसा और वक्त बर्बाद करके ये मूवी देखने जाएगी। हाँ अगर जाती भी है तो वो उनका अपना अपना ओपिनियन है, हमेशा से पब्लिक ही डिसाइड कर दो कि जो पब्लिक है, पब्लिक इज द किंग, पब्लिक ही सब कुछ है, पब्लिक ही आपको ऊपर रखती है, पब्लिक ही आपको नीचे उतार सकती है, तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने का बिल्कुल मत सोचो। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और ये भी बताओ कि सलार मूवी प्रभास की बहुत बड़ी गलती थी या नहीं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।